करना चाहती, मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करना चाहती। What? प्लीज आप ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स फाड़ दीजिए प्लीज। मैं तुषार सर के साथ गलत नहीं कर सकती, उन्होंने मेरे पापा की जान बचाई है, मेरे पापा को खून दिया है। और जब मैंने उन्हें थैंक यू बोला तो पता उन्होंने मुझे क्या बोला? उन्होंने बोला कि अब तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली है और तुम्हारे पापा अब मेरे पापा है। अब आप बताओ मैं ऐसे इंसान के साथ गलत कैसे कर सकती हूँ? आखिर मैम वो आपके बेटे हैं, आप ऐसे कैसे उनके साथ कर सकती हूँ? प्लीज मैम ये पेपर्स फाड़ दीजिए प्लीज। लिसन, गलती से भी इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के नजदीक आने की सोचना भी ओके? क्योंकि ये हर वक्त हर जगह मेरे पास रहेंगे, और अगर इन पेपर्स के साथ कुछ भी गड़बड़ करने की सोची भी ना तुमने, तो मैं इन पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर सबको दिखा दूंगी, सबको, यहाँ तक कि तुम्हारे तुषार सर को भी। फिर समझ जाना कितनी नफरत करेगा वो तुमसे। मेरा क्या, मैं तो किसी भी तरह से बात को घुमा ही दूंगी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे तुमसे साइन करवाए ही थे। मैम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं तुषार सर के साथ गलत नहीं कर सकती। 6 महीने तक शादी का नाटक, फिर डिवोर्स। नहीं मैम मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। प्लीज मैम प्लीज, आपके पैर पड़ जाओ आगे पंचायत। चुप करो नहीं तो ये पेपर सबको दिखा दूंगी। Get up, get up, come on, get up. What is this nonsense? I'm bleeding. Come on, get up. Chor! Chor, pakdo! Chor! Chor, pakdo! ये क्या था माँ? कुछ नहीं, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज वगैरह एंड पेशेंट फॉर्म्स एंड ऑल, नथिंग। ओके, लेकिन ये आदमी उसे लेके भाग क्यों रहा था? पता नहीं, कोई पागल होगा। शार सर, आप बाहर क्यों आ गए? आपको वीकनेस हो रही होगी ना, आप जाके रेस्ट करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस अनोखी, रेस्ट की जरूरत मुझे नहीं आपको है। अंकल को वैसे भी होश आ चुका है। पापा को होश आ गया? इसलिए आप अंदर जाइए और आप रेस्ट कीजिए, सब कुछ ठीक हो चुका है। चाहिए
मामा बस ना, अब तो पापा ठीक भी हो गए, कितनी एक्टिंग करोगे? तू चुप कर। पापा कैसे हो बाप? मैं बिल्कुल ठीक हो गया। पता है पापा, जब आप भी होश थे ना, तो मम्मा इतना परेशान हो गई थी कि मम्मा ने खुद मुझसे बोला कि वो सबसे ज्यादा प्यार आपसे करती है। अच्छा, सोचो आपकी अपनी पुल्लन देवी ने मुझसे ये बोला। अनु, सबके सामने थोड़ी ना बोलते हैं ऐसी बातें। लेटे नहीं है। चलो बड़ा अच्छा हुआ ये मंदिर में मत्था टेक कर निकला और इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली। तिलक जी, आप जरा भी टेंशन ना। इस एक्सीडेंट के कारण मैंने समूही के विवाह को आगे करवा दिया एक दिन के लिए। दद्दू, पर सामूहिक विवाह कैसे पोस्टपोन हो सकता है? क्यों जस्सी, तू अपने दादू को कुछ काट समझती? अरे बड़ी जान पहचान है मेरी, जुगाड़ लगाकर मैंने सामूहिक विवाह को एक दिन के लिए आगे करवा दिया है। आपने और आपके परिवार ने हमारी बहुत मदद की, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। पर चाचा जी क्या कल शादी अटेंड कर पाएंगे? जी, वैसे हम लोग नॉर्मली 3-4 दिन बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन कल इनकी बेटी की शादी है इसलिए ये आज पूरी रात यहाँ पे आराम करेंगे और कल व्हीलचेयर पे अगर चाहें तो अपनी बेटी की शादी अटेंड कर सकते हैं। और हाँ, इमरान के पेरेंट्स ने आपके लिए एक नर्स अरेंज की है जो 24 घंटा आपके साथ में रहेगी और एक एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया है कि इमरजेंसी के वक्त आपके काम आ सके। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप प्लीज हमारी तरफ से इमरान के परिवार को थैंक यू बोलिएगा जी। श्योर श्योर, बिल्कुल। चलो, अरे शादी की तैयारियां करनी है, चलो तैयार हो जाओ सब लोग। अच्छा जी, कल मिलते हैं। अरुणे, कल तुषार और पारुल की शादी पक्की। बस अब जल्दी से तुम दोनों की शादी हो जाए और मुनीम जी तुम हमारी बहुरिया बनके हमारे घर आ जाओ। बस वेलकम टू हेल अनोखी। कल से मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी, ऐसा दौड़ाऊंगी तुम्हें कि तुम्हारे पैर घिस जाएंगे। बस एक बार 7 फेरे ले लो, then just wait and watch। जुग जुग जियो बेटा। फेरों से पहले मुझे किसी भी हालत में वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़ने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुषार सर के साथ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं दे सकती मैं उनको धोखा। शाबाश, जी बात। कल्पना, वहां खड़ी हो, यहाँ
अच्छा बताओ कैसा लग रहा है दूल्हा? एकदम गुड़ की डली लग रहा है। कुंवारी लड़कियां देखते ही तिल के जैसे चिपक जाएंगी। हाँ वाकई बहुत ही अच्छे लग रहे थे शु बेटा। ये दूल्हे के जोड़े में तो किसी की नजर ना लगे। वो तिशु बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहो ना कल्पना, क्या बात है? वैसे तो इस घर में मैं नौकरानी हूं, लेकिन बेटा मैं तुम्हें तब से देखती आ रही हूं जब तुम नन्हे से बच्चे थे। मेरी उंगलियों को पकड़कर पार्क में झूला झूलने जाया करते थे और देखते ही देखते कब इतने बड़े हो गए कि पता ही नहीं चला। और आज तुम जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये दही शक्कर लेकर आई हूँ। क्या मैं तुम्हें खिला सकती हूँ? पूछने की बात है कल्पना, है? कोई भी नया काम शुरू करने के पहले शक्कर और दही खाना बहुत शुभ होता है। खिलाओ खिलाओ। बैग में कहाँ है ये वो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो सहरा है, पसंद आया? क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं कल्पना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे कुछ काम है, आप लोग चलिए, मैं आपको अंदर मिलती हूँ। अरे बेटा अनु। मम्मी अनु की गई कहाँ? अरे भाई यही कहीं होगी, उसकी बर्बादी है ना, तो भगवान जिसे आशीर्वाद देने गई होगी। शशि चुप। बहुत गड़बड़ हो जाएगी और जब तक शादी ना हो जाए सामने नहीं आना। और सुन, जल्दी से तैयार हो जा, हैं? ये ले और ध्यान रखना, चेहरा हमेशा कोंगट में रखना, ठीक है? जा। हाँ पारुल बेटिया, किसी को दिखनी नहीं चाहिए तू। जी दादू। जा बता, जा जा। आजा रोड़े, आजा। कहाँ है वो निकिता मलिक? मुझे किसी भी हालत में कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को फाड़ना ही होगा, तुषार सर को धोखा नहीं दे सकता। लव, लव, लव सुन, तेरी दादी कहाँ है? वो तो अभी तक नहीं आई माची।
वो अभी यहाँ नहीं है। मैं तुषार सर को फोन करके सब कुछ बता देती हूँ। क्या यार, ओ तेरी, इतने सारे दूल्हे। अगर इतने सारे दूल्हे आ गए हैं तो तुषार सर भी तो यहीं होंगे। इनमें से तुषार सर कौन है? चलिए चलिए, आप सब एक लाइन में आ जाइए। हाँ, एक फोटो सहरे के साथ और एक फोटो सहरे के बिना। तुषार सर को कैसे ढूंढूं? बहुत बढ़िया, बस हाँ ठीक है, ओके रेडी। तुषार सर। नाशपति जी, मिस अनोखी। ये तो तुषार सर की आवाज है। तुषार सर कमरे में है। तुषार सर। मिस अनोखी। सॉरी सर, सॉरी। मैंने एक्चुअली थोड़ा पानी गिराया था ना मेरे मेरे शेरवानी पे, इसीलिए। और आप भी ऐसे एकदम ऐसे अचानक से ही आ गई। सर वो बहुत देर से मैं आपका नंबर ट्राई कर रही थी, लग नहीं रहा था। हम बाद में बात करें। सर, अब वो आपने कुर्ता उल्टा पहना है। तुषार सर से बात भी नहीं हो पाई, क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। पहचान तो नहीं लिया? तुम वहां कहां जा रही हो? वो तो दूल्हों का कमरा है। वो रहा दूल्हों का कमरा। इतनी भीड़ में तो तुषार सर से बात हो ही नहीं पाएगी। एक काम करती हूँ, निकिता मल्लिक के आने पे पेपर से निकालूंगी। हाँ है ये लेडी मलिक। अनु बेटा, कैसी दुल्हन है तू? आज शादी का दिन आ ही गया, लेकिन मेरी वजह से मेरी बच्ची की हल्दी की रस्म नहीं हो पाई। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, अपनी बच्ची को हल्दी भी नहीं लगा। पापा तो अब लगा लो तिलक जी। का कर रहे हो लब बेटा, संभाल के। ये तो खराब हो गया, अब दूसरा प्लेन कहां से लाओ? लगा लो अपने मुनीम जी के मुंह पे हल्दी का तिलक। चुक चुक जियो,
जाओ अपनी सासू माँ से भी आशीर्वाद ले लो। रॉकेट दो ना माची, रॉकेट दो ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।